आने वाली 22 तारीख को यानी 22 मार्च को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू घोषित किया है। कोरोना वायरस के इंसिडेंट की वजह से जो एपिडेमिक आया पूरे विश्व में, हमारे देश में जो गतिविधियां हुई हैं, हमारे देश में जिस तरह से हम लोगों ने प्रिकॉशंस लिए हैं उसकी सब सराहना कर रहे हैं। एक अनुरोध आपसे और है, 22 तारीख का दिन आप लोग सभी अपने घर में एक कुंडी यज्ञ अवश्य करें, जिसमें आहुति अगर आप उसी सामग्री की डालें जिसका हमने जिक्र किया है, जो हमने आपको पवन सामग्री के माध्यम से कहा है कि इससे यज्ञ करें, तो उससे डालें तो अच्छा, नहीं तो अपने शांति कुंज के हवन सामग्री से भी आप कर सकते हैं। दूसरा, आप एक माला गायत्री की एक्स्ट्रा और एक माला आप हम लोग महामृत्युंजय मंत्र करते हैं इसकी अतिरिक्त करें परसों, और ये अगर लाखों लोग करेंगे, जो लाखों परिजन करोड़ों परिजन पूरे मिशन के सब जगह फैले हुए हैं या जो इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके माध्यम से कितना बड़ा संदेश जाएगा और कितना बड़ा इफेक्ट होगा इसका, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और जिस जो मिले आपको उसको भी आप मोटिवेट करिए, जिसको आप फ़ोन कर सकते हैं उनको फ़ोन करिए, जिसको आप SMS कर सकते हैं उनको SMS करिए, भाई आप भी भाग लो। मोदी जी का जो हमको सावधानी रखने के लिए जो आया है मैसेज, ये एक प्रकार से हम सबको एक करने के लिए आया है। सब एक होकर के प्रयास करें, और सामूहिकता का प्रयास, गुरुदेव ने सामूहिकता के ऊपर बहुत लिखा है कि सामूहिक प्रयास में, संघबद्धता में बहुत शक्ति होती है। जब एक साथ मिलकर के सब करते हैं हईशा, तो पूरा पूरा खंभा उठ जाता है। जब हम जोर से एक साथ बोलते हैं, अकेला आदमी बोलता है तो उतना नहीं असर पड़ता, और जितना हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति बोलेंगे उसका एक असर पड़ेगा। तो ये शब्द शक्ति का बहुत बड़ा प्रयोग है, इसको करके देखिए। हम प्रार्थना करते हैं कि निश्चित रूप से ये आपका प्रयास सफल होगा, आप सभी इसमें भागीदारी करिए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।